से ये निकलते नहीं है, मीडिया से इनका दिमाग काम नहीं करता, ये ऐसी बातें रोज मीडिया में, जाएं जी जाएं, दफा बला छोड़े हमारी जान। लेकिन कल मरियम साहबा पे सारी कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन था कि उनको ना जाने दिया जाए, अदालत जो फैसला करे कल ये उसकी सवाबदीद है। नवाज शरीफ पर 16 वोट थे उसकी हमायत में कि इसको जाने दिया जाए, ऐसा ड्रामा रचाया गया कि शाम को ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा नवाज शरीफ। ऐसी मुहिम चलाई गई, ऐसा मीडिया बताया गया, आज इतनी प्लेट नीचे हो गई हैं, आज इतनी ऊपर हो गई हैं। लंदन में तो कोई प्लेट ना नीचे हुई ना ऊपर हुई, ये प्लेटें ही लंदन वाली थी, ये यहाँ बलालगंज की लाहौर की प्लेटें होती तो नीचे ऊपर ना होती, फिट रहती। ये प्लेटें ही लंदन की थी, वहां गई हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह उसका ऊपर ही रेट आ रहा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कायदे आजम की बरसी में हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज के साथ आवाज मिलाई है। 2-3 दिन के बाद हम फैसला करने वाले हैं कि हम कश्मीर के कश्मीरी भाइयों के लिए और इंडिया के इस शरीयत बिल के खिलाफ रावलपिंडी राजा बाजार से एक तारीखी रैली निकालेंगे, इंशाल्लाह। ऐसी रैली निकालेंगे, लाखों की तादाद में निकालेंगे, हजारों की तादाद में नहीं, कि दुनिया देखेगी कि रावलपिंडी जो है वो पढ़े लिखे लोगों का शहर है, जाहिलों का शहर नहीं है। रावलपिंडी शहर जो है गैरतमंदों का शहर है, रावलपिंडी असूल वालों का शहर है।